नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक खुशी की बात आपके साथ साझा की थी दोस्तों, कि जो सपना हमने देखा वो पूरा हो गया है। आपको इस बात की खुशी होगी, हमारे मेंटर डॉक्टर जिस्कार जी की जयंती की उपलक्ष्य में 10 सितंबर को हम पूरे दुनिया में 5 किलोमीटर चलने की वॉकेथॉन का आयोजन करने वाले हैं। और मुझे आपको ये बताने में बेहद खुशी है कि ये जो वॉकेथॉन पूरे दुनिया में हुआ, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ये वर्ल्ड वॉकेथॉन एट मोस्ट वेन्यूज, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा जगहों पर लोग चलने का ये विश्व विक्रम हुआ है। आज एक दूसरी बात आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं, ये भी काफी खुशी की बात है और जो हमने सोचा नहीं था लेकिन जो हो गया, ऐसा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसके बारे में बताने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। दोस्तों, आपको मालूम है कि 16 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक मैंने साउथ इंडिया का टूर किया था और इस टूर के दौरान मैंने कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 5 राज्यों में मैं कार से गया था और इस दौरान लगभग मैं 25 सिटीज में गया और मैंने 40 व्याख्यान दिए। इनमें से बहुतांश व्याख्यान जो थे वो मेडिकल कॉलेजेस में थे। व्याख्यान मैंने इंफोसिस कंपनी के लिए दिए, एक अराजन नाम की कंपनी का भी, उनके लिए भी मैंने व्याख्यान दिया और महाराष्ट्र मंडल बेंगलोर, इनके लिए भी मैंने एक व्याख्यान दिया। लेकिन आमतौर पर ज्यादा लेक्चर डॉक्टर्स के लिए हुए और मेरा मकसद ये था कि जिस लाइफस्टाइल के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं वो किसको समझना चाहिए, किसको पहले उसकी जानकारी होना चाहिए, तो वो है मेडिकल स्टूडेंट्स। क्योंकि मैंने लेक्चर में भी कहा कि आपके जिंदगी में अभी कॉमर्स आया नहीं है, कॉमर्स सेट नहीं हुआ है, इसलिए साइंस सेट होने का ये सही समय है। एक बार आप प्रैक्टिस शुरू करोगे तो आपके लाइफ में कॉमर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। अब जब कॉमर्स फ्रंट सीट पे आता है तो साइंस बैक सीट पे जाता है, इसलिए कैच देम यंग जो बोलते हैं कि जितना जल्दी इन बच्चों को ये बता सको कि डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी जो बीमारियां हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं और इसका सॉल्यूशन सिर्फ लाइफस्टाइल से हो सकता है, और इसलिए मैंने मेडिकल कॉलेजेस में जाना बेहतर समझा और इस काम में मुझे काफ़ी लोगों ने मदद की। अब हर एक का नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जैसा भी मैंने सोचा कि ये मैं ऐसा टूर करूँगा तो मैंने ये सोचा नहीं था कि इसका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, लेकिन एक जो हमारे परिचित है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर आप जा रहे हो तो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाते। तो शायद 20-21 अगस्त से हमने इसके बारे में काम शुरू किया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये अभी ऑफिशियली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है और लॉन्गेस्ट डायबिटीज अवेयरनेस कैंपेन बाय एन इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति द्वारा डायबिटीज के अवेयरनेस के बारे में चलाया गया सबसे लंबा अभियान, इस प्रकार का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कम्युनिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनका आभारी हूँ कि इन्होंने इसको अप्रूव किया। इस अभियान में जो मैं ये टूर में जिन लोगों ने मदद की उनके तो काफ़ी नाम हैं, तो मैं कुछ लोगों के नाम तो ज़रूर लेना चाहूँगा कि मेरा विद्यार्थी है डॉक्टर प्रशांत साळुंके, उन्होंने कन्याकुमारी में लेक्चर ऑर्गेनाइज करने में मेरी मदद की। डॉक्टर गोविंद कुसनेनीवार मेरा दूसरा एक स्टूडेंट है, उन्होंने हैदराबाद में मेरे लेक्चर ऑर्गेनाइज किए। डॉक्टर कन्नन नाम के यूरोलॉजिस्ट हैं जो त्रिची में काम करते हैं, उन्होंने तो इसका काफ़ी प्रचार किया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तिरुचिरापल्ली में मेरा लेक्चर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया।
डॉक्टर सूर्य प्रकाश नाम के यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में मेरा लेक्चर ऑर्गेनाइज किया। आप जो देख रहे हैं मेरे बाजू में ये ब्यूटीफुल गिफ्ट जो है वो मुझे दिया है ESIC मेडिकल कॉलेज की जो डीन है डॉक्टर माधुरी काटे जी, जो इस लाइफस्टाइल की फॉलोअर है काफी सालों से, उन्होंने दिया है। अब मैं आपको अगर सब गिफ्ट दिखाने जाऊं तो शायद काफी समय इसमें जाएगा, लेकिन जितना प्यार मिला और जितने लोगों ने इसको सुना और काफी जगह पे मैंने देखा कि लोगों में उत्साह है, लोग इस लाइफस्टाइल के बारे में समझना चाहते हैं, इसके ऊपर संशोधन रिसर्च करना चाहते हैं, और इसी काम के लिए मैं टूर पे निकला था। काफी जगह पे जैसे कि मैंने आपको कहा, राहुल कीर्ति जी है वो भी मेरे नांदेड़ के स्टूडेंट है, उन्होंने रायचूर में लेक्चर ऑर्गेनाइज किया, और मेरे एक कलीग है डॉक्टर अजय कुमार गुलबर्गा के, उन्होंने ना सिर्फ अपने गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में ये लेक्चर ऑर्गेनाइज किया, लेकिन इन्होंने बल्लारी और चित्रदुर्ग ऐसे दूसरे शहरों में भी ये व्याख्यान आयोजित करने में मेरी मदद की। धारवाड़ के डॉक्टर राघवेंद्र कुलकर्णी है, उन्होंने मदद की, और काफी लोग हैं। अभी मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। बल्लारी के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर गंगाधर गौड़ा है, डॉक्टर बसवराज गौड़ा है, उन्होंने काफी अच्छी मदद की, और हर जगह पे जो रिस्पॉन्स मिला, जैसे हमारे डॉक्टर अन्नाराव कुलकर्णी है ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज बेंगलोर के, उन्होंने काफी सहायता की। डॉक्टर साइरू फिलिप है कोट्टायम की, उन्होंने हेल्प की। मैं डॉक्टर प्रशांत कोकीवार का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने तेलंगाना के वरंगल, गुंटूर, तिरुपति ऐसे विभिन्न जगहों पर लेक्चर ऑर्गेनाइज करने में मदद की। इस प्रकार से मुझे देखने को मिला कि जहां भी मैं गया काफी उत्साह से मेरा स्वागत हुआ, लोगों ने मेरी बात अच्छी तरह सुनी, और इतना ही नहीं कि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने इस बारे में इंटरेस्ट दिखाया कि ये जरूर हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। और इस टूर में मैं काफी जगह पे जा सका, मैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे गया, मैं मीनाक्षी मंदिर गया, मैं तिरुपति के भी दर्शन मेरे हो गए, तो इस अभियान को काफी आशीर्वाद भी इस टूर में मिला, इसका मुझे यकीन है। और जो मैं सोचा था कि ये अभियान लोगों की तरफ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स इसको समझेंगे, तो ये काफी हद तक ये सक्सेसफुल हुआ ऐसे मुझे लगता है। काफी लोगों ने मुझे अभी फिर बुलाया है कि आप आइए। कुछ जगह पे तो ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि हम यहाँ पे डायबिटीज रिवर्सल सेंटर चालू कर सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि ओबेसिटी क्लिनिक चालू करेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि इस लाइफस्टाइल को हम दूसरे जो कॉमन लाइफस्टाइल है जो बार बार खाने को बोलते हैं उनसे हम कंपेयर करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, तो इस हिसाब से हम उसको टेस्ट करेंगे और इसके बारे में रिसर्च करेंगे। तो काफी अच्छा उत्साह देखने को मिला, और जहां भी गया अच्छा स्वागत हुआ, और लोगों ने इसको इतने अच्छी तरह से सुना और समझा, मुझे यकीन है कि ये और तेजी से ये अभियान और ये मैसेज जो है कैंपेन का आगे बढ़ने वाला है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे अपील करूंगा कि जो भी आपके डॉक्टर हैं या जो डॉक्टर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या जिनके पास आप जाते हो दिखाने के लिए, ऑर्थोपेडिशियन हो, आंखों के डॉक्टर हो, हार्ट के डॉक्टर हो, इन सभी को ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि इन सब को पता चले कि ये अभियान क्या है, इस अभियान का मैसेज क्या है, और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स के पास ये जाना चाहिए, इसकी कोशिश आप जरूर कीजिए। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और यकीन है कि आप लोग इस चैनल को और ज्यादा समर्थन देते रहोगे। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।